Hey guys, this is Pankaj Sharma. Welcome back to my YouTube channel. और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों में क्या न्यूट्रिशन लें, कैसे न्यूट्रिशन लें। तो पहले तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी नवरात्रे। और हम अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि हम नवरात्रों में क्या लें, क्योंकि नवरात्रे हमारे हिंदू धर्म में एक साल में दो बार आते हैं, पहला मार्च और दूसरा है अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो जिसमें हमारे फिटनेस ब्रेक लड़कों को बहुत दिक्कत होती है, जिसमें हम प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाते नॉनवेज के द्वारा, चाहे आपकी जो फिश हो या एग्स हो या मीट हो या चिकन हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो, नॉनवेज यूज़ नहीं करते, इंटेक नहीं कर सकते। इसलिए कुछ वेजिस हैं अपने वेज प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन इंटेक की मात्रा अच्छी है। आप इंटेक करेंगे तो आपको प्रोटीन लेवल हो जाएगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस नवरात्रों में आपको मसल लॉस नहीं करने, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप नॉनवेज खाएंगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, वैसे नहीं बन पाएगी, तो ऐसा नहीं है जी। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़िया है तो आप मसल कहीं भी और कभी भी कैसे भी बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले प्रोटीन के सोर्स के बारे में कि आप नवरात्रों में क्या क्या खा सकते हैं। तो पहले तो आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं वे प्रोटीन, तो दिन में दो स्कूप ले सकते हैं, एक स्कूप सुबह और एक स्कूप शाम को ले सकते हैं आप पानी के साथ, आपका प्रोटीन इंटेक भी बढ़िया हो जाएगा और आफ्टर वर्कआउट में ले तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात करते हैं मसल रिकवरी के लिए, जो हमारी रिकवरी बहुत ज़रूरी है मसल ब्रेक के बाद, तो BCAA यूज़ कर सकते हैं आप पानी में या वर्कआउट के दौरान या दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, पानी में मिला के उससे कोई दिक्कत नहीं होती आपको। BCAA कभी भी ले सकते हैं आप, अगर आप वर्कआउट के दौरान ले रहे हैं ड्यूरिंग वर्कआउट तो आपके लिए बेस्ट है सबसे, उससे आपकी क्या होगी मसल रिकवरी भी हो जाएगी और मसल बढ़िया भी रहेगा। अब बात करते हैं और न्यूट्रिशन में क्या ऐड करें, नट्स और किशमिश ऐड कर सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट नट्स किशमिश ये ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी आ जाएगी, फाइबर ये सब मिल जाएंगे तुम्हें बढ़िया से। और ये यूज़ कर सकते हो आप कभी दिन में कभी यूज़ कर सकते हो जब आपका टाइम हो फ्री, जब देखिए आपको टाइम हो, एक मील आपकी रह रही है उसमें यूज़ कर सकते हो इसे, बिफोर वर्कआउट में भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब आते हैं अपने ओट्स मिल के बारे में, आपको तो पता ही होगा ओट्स मिल के बारे में, वैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप एक मिल में से ओट्स मिल भी ले सकते हैं किसी भी टाइम, इसमें ओट्स मिल में मूसली डाल के दूध डाल के ऐड करके बना सकते हैं, आपका एक मिल ये कंप्लीट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आप ले सकते हैं आगे में आलू पोटैटो या स्वीट पोटैटो, दोनों में से आप जो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ले सकते हैं बिल्कुल बिफोर वर्कआउट में, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी मिल जाएगी और आप वर्कआउट बढ़िया से कर पाएंगे। अब ये मील हो गई, अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के सोर्स आफ्टर वर्कआउट में क्या ले सकते हैं। आफ्टर वर्कआउट में तो एक ले सकते हैं आप प्रोटीन वे प्रोटीन एक स्कूप, एक से दो स्कूप। और अगर आप जैसे पहले एग्स खाते थे या चिकन खाते थे आफ्टर वर्कआउट में, तो उसकी जगह ले सकते हैं पनीर 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम जितने भी आपके इनटेक हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ले सकते हैं आप प्रोटीन की ले सकते हैं पनीर और दूध भी ले सकते हैं। और एक बात करते हैं आपकी मील की, जो एक आपकी एक मील भी बन रही है स्प्राउट्स, जिसमें सोया चंक्स, मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल और आपके आ जाते हैं ब्लैक चने, इन्हें मिला के आप सोया चंक्स को मिला के एक स्प्राउट्स बना सकते हैं, जिनमें थोड़ा मसाला वसाला डाल के बढ़िया से एक मील आपकी ये तैयार हो जाती है। और आपकी एक हो जाते हैं वेजिस वेजिटेबल, आपके लिए सबसे बेस्ट है मसल बिल्ड के लिए वेजिस, मोटा हो पतला हो किसी के लिए भी वेजिस सबसे बेस्ट है। तो आप कोशिश करिए कि इस नवरात्रे मसल लूज ना होने दें, पूरा प्रोटीन इंटेक अच्छे से करें और वेजिस ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं वेजिस में, सब कुछ बढ़िया वेजिस में, तो कुछ भी खाओ सलाद में कुछ भी खाओ। और आपका एक आता है फ्रूट मील, जी हाँ आपके लिए फ्रूट मील सबसे बढ़िया मील है, जो आप मॉर्निंग में सबसे पहले ले सकते हैं, सबसे बेस्ट आप फिटनेस ब्रेक के लिए, तो सबसे बेस्ट अगर फिटनेस ब्रेक हो तो आपके लिए एक मॉर्निंग मील हो जाती है फ्रूट्स, जो फ्रूट्स में आप कुछ भी रख सकते हो, चाय वाय नहीं पीना आपको बिल्कुल भी, फ्रूट्स खाइए सुबह उठ के, वर्कआउट कीजिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए उसके बाद में, और अपने दिल का शेड्यूल बनाइए कम से कम। अगर आप गेनिंग मोड पे हैं तो मसल लॉस बिल्कुल ना करें, कम से कम 6 से 8 मील आप तैयार रखें, जिसमें से एक प्रोटीन हो गया, उसके बीच में BCAA, उसके आफ्टर में पनीर प्रोटीन नट्स हो गए आपके, पोटैटो हो गए स्वीट पोटैटो हो गए, पनीर मिल्क हो गया आपके, स्प्राउट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिस हो गए। तो पूरी कोशिश कीजिए कि इस नवरात्र में मसल लूज ना हो आपके, मसल और बिल्ड ही हो, और कोशिश करते रहिए वर्कआउट अच्छा करते रहिए।
डाइट अपनी फॉलो कीजिए, इस तरह की डाइट प्लान बना लीजिए। वर्कआउट मैं भी कर रहा हूँ आजकल, मैं भी कर रहा हूँ नवरात्रों में भी, और अपना डाइट प्लान आपको दिखाते रहूँगा, वर्कआउट भी दिखाता रहूँगा इस दौरान। और इस बीच में न्यूट्रिशन के सारे मैं चार्ट बना दूंगा पीडीएफ में, और आप उसको देखिए और अपने हिसाब से सेट कीजिए और डाइट फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।